सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये है मेरे पास रेडगियर की तरफ से आने वाला एक वायरलेस गेम पैड, जिसे आप अपने स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी, अपने कंप्यूटर और या फिर अपने मोबाइल फोन के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हो। और यदि तो आप इस वायरलेस गेम पैड को खरीदना चाहते हो तो लिंक्स इसके आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस वायरलेस गेम पैड का रिव्यू और साथ ही साथ बात करेंगे इसकी क्वालिटी, फीचर्स और वायरलेस रेंज की। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले इसकी अनबॉक्सिंग के साथ में। तो कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है हमारा ये वायरलेस गेम पैड। मेरे पास है ये रेडगियर का प्रो सीरीज, जिसमें आपको कनेक्टिविटी के लिए दो डोंगल्स मिल जाएंगे। और उसके अलावा बॉक्स में सामने की तरफ इसके कुछ मेन फीचर्स को हाईलाइट किया गया है, जैसे कि इसमें आपको बिल्ट इन बैटरी मिल जाएगी, 11 डिजिटल कीज मिल जाएगी, 10 मीटर की वायरलेस कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और यहाँ बॉक्स में पीछे की तरफ इसके बॉक्स कंटेंट्स और इसकी MRP को मेंशन किया गया है। तो MRP तो है यहाँ पर 1799, पर आप इसे अमेजोन से 1200 से 1400 रुपये में परचेज कर सकते हो। और यदि तो आप इस वायरलेस गेम पैड को खरीदना चाहते हो तो लिंक्स इसके आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम जल्दी से चलते हैं इसके बॉक्स कंटेंट्स की तरफ। और बॉक्स में सबसे पहले आपको देखने को मिल जाती है एक CD, जिसे आप अपने वायरलेस गेम पैड को अपने कंप्यूटर के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हो। फिर आते हैं वायरलेस गेम पैड को कनेक्ट करने के लिए ये दो डोंगल्स। और आखिरी में आता है हमारा ये वायरलेस गेम पैड, जो कि आता है ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन में। और फर्स्ट इंप्रेशन में इसकी क्वालिटी भी यार सही में काफ़ी अच्छी लग रही है। इसमें आपको टोटल 11 डिजिटल कीज मिल जाएंगी और ऊपर की तरफ जो कीज़ है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। सामने की तरफ रेडगियर की ब्रांडिंग है और ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन सही में काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आपको 4 ब्लू कलर में LED लाइट्स मिल जाएंगी, जो कि कनेक्टिविटी के बाद स्टेबल हो जाएगी। और उसके अलावा चार्जिंग के टाइम पर भी ये LED लाइट्स एज अ बैटरी इंडिकेटर काम करेगी। गेम पैड में ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगा एक माइक्रो USB पोर्ट, जिसे आप अपना कोई भी नॉर्मल चार्जर लगाकर इसे चार्ज कर सकते हो। और साथ ही में पीछे की तरफ मेंशन किया गया है इसके मॉडल नंबर को। तो यार, इस गेम पैड पर जॉयस्टिक और डिजिटल कीज की क्वालिटी काफी अच्छी है। और उसके अलावा गेम पैड पर आपको ग्रिपिंग भी काफी बढ़िया मिल जाती है। हालांकि ये गेम पैड बना हुआ है प्लास्टिक का, लेकिन यार साइड में आपको यहाँ पर रबराइज फिनिश मिल जाती है, जिससे यार इस गेम पैड पर ग्रिपिंग जो है वो काफी अच्छी हो जाती है। गेम पैड पर आपको दोनों ही तरफ रबराइज फिनिश मिल जाती है, जिससे गेमिंग करते वक्त ये गेम पैड इजिली स्लिप ना हो। तो चलिए अब जल्दी से हम इस गेम पैड को टेस्ट कर लेते हैं और मैं इसे कनेक्ट करूंगा अपने स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी के साथ में। वैसे तो आप इस गेम पैड को अपने कंप्यूटर और या फिर अपने मोबाइल फोन के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं इसे कनेक्ट करूंगा अपने टीवी के साथ में। तो इस गेम पैड को मैंने अपने टीवी के साथ में कनेक्ट कर दिया है और ये USB डोंगल के साथ में इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाता है। ये वायरलेस गेम पैड आता है 2.4 GHz की वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ में और इसमें आपको 10 मीटर की रेंज मिल जाती है। और उसके अलावा इस गेम पैड पर आपको बिल्ट इन बैटरी मिल जाएगी, जिसे एक बार फुल चार्ज करने पर आप इसे 10 घंटे तक गेम प्ले कर सकते हो और 30 मिनट की चार्जिंग में आप इसे 2 घंटे तक गेमिंग कर सकते हो। और उसके अलावा गेम पैड पर आपको मिल जाती है डुअल हाई इंटेंसिटी मोटर्स, जिससे आपको काफी बढ़िया सा वाइब्रेशन फीडबैक मिलता है। कीज की क्वालिटी तो काफी बढ़िया है ही, और ऊपर की तरफ दी गई 4 कलर कीज में आपको बैकलाइट का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से 1200 से 1400 रुपए की रेंज में ये वायरलेस गेम पैड सही में एक काफी अच्छी डील है, क्योंकि एक तो इस गेम पैड पर आपको काफी बढ़िया 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है, दूसरा इस गेम पैड पर आपको ग्रिपिंग भी काफी अच्छी मिल जाती है, कनेक्टिविटी के लिए दो डोंगल्स के साथ में ये आता है और रेंज भी इस गेम पैड पर आपको काफी बढ़िया मिलती है। तो यार, ये तो आप बजट प्राइस में काफी बढ़िया क्वालिटी वाला गेम पैड ढूंढ रहे हो तो आपको डेफिनेटली इस गेम पैड के लिए जाना चाहिए। आप इस गेम पैड को अमेजोन से परचेज कर सकते हो और लिंक्स इसके आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।